श्री प्रणव मुखर्जी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी ने 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। उनके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, तभी से वे वेंटिलेटर पर चल रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रणब मुखर्जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से राजनीतिक शास्त्र और इतिहास में एमए किया था। बाद में इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की थी। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में की थी। 1969 में बंगाल के मेदिनीपुर में हुए उपचुनाव में उनकी मेहनत और रणनीति की वजह से ही कांग्रेस वो सीट जीत पाई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें उसी साल जुलाई में राज्यसभा का सांसद बनवा दिया था। तभी से वो गांधी परिवार के एक वफादार सिपाही के तौर पर काम कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1973 में उन्हें इंदिरा गांधी कैबिनेट में जगह मिली थी। बीच में कुछ दिनों के लिए वो कांग्रेस से अलग भी हुए थे। प्रणोदा ने यूपीए सरकार में वित्त मंत्रालय समेत तमाम जिम्मेदारियां निभाई थी। 2012 में उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था, जिसमें वो विजयी हुए थे। प्रणब मुखर्जी ने 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।